हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर होस्ट कंचन वर्मा। होप यू ऑल आर फाइन एंड कीपिंग वेल। विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है और ठंड में गर्मा गर्म चाय और वो भी तंदूरी, तो बताइए कैसा रहेगा? मज़ा दुगना हो जाएगा ना। मैंने जब पहली बार तंदूरी चाय पी तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगी और मैं उस स्टॉल पर दोबारा चाय पीने गई और ध्यान से देखा कि कैसे बनती है और घर पर भी आकर ट्राई किया, बिल्कुल वैसी ही चाय बनी। तो चलिए आज मैं आपको घर पर ही तंदूरी चाय बनाने के मेथड बताती हूँ। तंदूरी चाय की रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप पानी और गैस की फ्लेम अभी हम स्लो रखेंगे। और आज हम तंदूरी चाय बना रहे हैं तो इसके लिए हमें कुल्हड़ चाहिए, यानी कि अर्दन पॉट, इस तरह का हम कुल्हड़ लेंगे। और अगर नहीं है तो जो दिवाली में इस तरह से दिए जलाते हैं ना, वो भी आप ले सकते हैं। और अब इसे हमें गर्म करना है और अब इस अर्दन पॉट यानी कुल्हड़ को हम गैस पर गर्म करेंगे और बहुत ही अच्छे से गर्म करना है कि बिल्कुल रेड हो जाए। और जब तक ये गर्म हो रहा है, हम चाय में डालने के लिए कुछ मसाले क्रश कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची, 2 लौंग लेंगे और यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी बड़ी इलायची। और अब इन सबको अच्छे से हम क्रश कर लेंगे। अब ये मसाला अच्छे से क्रश हो गया है और इसे हम डाल देंगे चाय के लिए, जो मैंने पैन में चढ़ा रखा है उसमें डाल देंगे इसको। और अब इसमें डालेंगे हम चाय पत्ती यानी टी लीव्स डालेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 छोटे चम्मच चाय पत्ती डाल रही हूँ। यहाँ पर चाय पत्ती और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लाइट पीना है तो चाय पत्ती कम डालें और फिर चीनी डालेंगे यहाँ पर 2 छोटे चम्मच। और इसी तरह से अगर आपको मीठा कम पीना है तो चीनी आप कम कर सकते हैं। और इसे बॉयल होने देंगे। अब हम कुल्हड़ को देख लेते हैं, इसे टर्न करके दूसरी तरफ भी हम गर्म होने देंगे। इस कुल्हड़ को हमें काफ़ी अच्छे से गर्म करना है। और अब चाय की पानी अच्छे से बॉयल हो गई है, इसमें सभी मसालों के फ्लेवर भी अच्छे से आ गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप दूध और दूध डालने के बाद मीडियम आंच पर इसे बॉयल होने देंगे। मीडियम आंच पर मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें जो भी मसाले पड़े हैं अच्छे से इसके सारे फ्लेवर इसमें आ जाते हैं। और अब ये बॉयल हो गई है चाय, इसे हम छान कर रख लेंगे। और जब तक हमारा चाय बना तब तक हमारा अर्दन पॉट यानी कुल्हड़ भी गर्म हो गया होगा। अब चलिए अब हम कुल्हड़ को देख लेते हैं अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। और ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, बिल्कुल रेड हॉट हो गया है ये। और अब इस कुल्हड़ को एक कटोरी में रखेंगे और छने हुए चाय को इस गर्म कुल्हड़ के ऊपर पोर करेंगे यानी कि डालेंगे। और कुल्हड़ काफ़ी गर्म होती है इसलिए चाय भी ठंडी नहीं होती है। और कुल्हड़ में चाय डालने से जो कुल्हड़ की सोंधी खुशबू होती है वो इसमें आ जाती है और इस तरह से हमारा बन जाता है तंदूरी चाय। जब थोड़ा झाग बनना कम हो जाए तो इसे हम कुल्हड़ में या कप में सर्व करेंगे, लेकिन तंदूरी चाय का असली मज़ा कुल्हड़ में ही आता है। तो इस तरह आप घर पर ही तंदूरी चाय बना सकते हैं बहुत ही इजीली। और ठंड में तो गर्मा गर्म चाय हो और वो भी तंदूरी, तो बात ही कुछ और है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड कीप कुकिंग। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप पानी और गैस की फ्लेम अभी हम स्लो रखेंगे।
और आज हम तंदूरी चाय बना रहे हैं तो इसके लिए हमें कुल्हड़ चाहिए, यानी कि अर्दन पॉट, इस तरह का हम कुल्हड़ लेंगे। और अगर नहीं है तो जो दिवाली में इस तरह से दिए जलाते हैं ना, वो भी आप ले सकते हैं। और अब इसे हमें गर्म करना है। और अब इस अर्दन पॉट यानी कुल्हड़ को हम गैस पर गर्म करेंगे, और बहुत ही अच्छे से गर्म करना है कि बिल्कुल रेड हो जाए। और जब तक ये गर्म हो रहा है, हम चाय में डालने के लिए कुछ मसाले क्रश कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची, 2 लौंग लेंगे और यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी बड़ी इलायची। और अब इन सबको अच्छे से हम क्रश कर लेंगे। अब ये मसाला अच्छे से क्रश हो गया है और इसे हम डाल देंगे चाय के लिए, जो मैंने पैन में चढ़ा रखा है उसमें डाल देंगे इसको। और अब इसमें डालेंगे हम चाय पत्ती यानी टी लीव्स डालेंगे। यहाँ पर मैं 1.5 छोटे चम्मच चाय पत्ती डाली हूँ। यहाँ पर चाय पत्ती और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लाइट पीना है तो चाय पत्ती कम डालें। और फिर चीनी डालेंगे यहाँ पर 2 छोटे चम्मच। और इसी तरह से अगर आपको मीठा कम पीना है तो चीनी आप कम कर सकते हैं। और इसे बॉयल होने देंगे। अब हम कुल्हड़ को देख लेते हैं, इसे टर्न करके दूसरी तरफ भी हम गर्म होने देंगे। इसी कुल्हड़ को हमें काफ़ी अच्छे से गर्म करना है। और अब चाय की पानी अच्छे से बॉयल हो गई है, इसमें सभी मसालों के फ्लेवर भी अच्छे से आ गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 कप दूध, और दूध डालने के बाद मीडियम आंच पर इसे बॉईल होने देंगे। मीडियम आंच पर मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें जो भी मसाले पड़े हैं अच्छे से इसके सारे फ्लेवर इसमें आ जाते हैं। और अब ये बॉईल हो गई है चाय, इसे हम छान कर रख लेंगे। और जब तक हमारा चाय बना तब तक हमारा अर्दन पॉट यानी कुल्हड़ भी गर्म हो गया होगा। अब चलिए अब हम कुल्हड़ को देख लेते हैं अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। और ये देखिए, ये काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, बिल्कुल रेड हॉट हो गया है ये। और अब इस कुल्हड़ को एक कटोरी में रखेंगे और छने हुए चाय को इस गर्म कुल्हड़ के ऊपर पोर करेंगे यानी कि डालेंगे। और कुल्हड़ काफ़ी गर्म होती है इसलिए चाय भी ठंडी नहीं होती है। और कुल्हड़ में चाय डालने से जो कुल्हड़ की सोंधी खुशबू होती है वो इसमें आ जाती है। और इस तरह से हमारा बन जाता है तंदूरी चाय। जब थोड़ा झाग बनना कम हो जाए तो इसे हम कुल्हड़ में या कप में सर्व करेंगे, लेकिन तंदूरी चाय का असली मज़ा कुल्हड़ में ही आता है। तो इस तरह आप घर पर ही तंदूरी चाय बना सकते हैं बहुत ही इजीली। और ठंड में तो गर्मा गर्म चाय हो और वो भी तंदूरी, तो बात ही कुछ और है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड कीप कुकिंग।